बदावाराम कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड के इकलौते बेटे ने बुधवार शाम को पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को सीने में गोली मार आत्महत्या कर ली। 15 मिनट बाद ही इसको गोली मारने की सूचना मिली। पुलिस किशोर के फोन की कॉल डिटेल खंगाल रही है, उसके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। किशोर के आत्महत्या करने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। घटना कल शाम की है। सज्जन सिंह का परिवार बदावाराम कॉलोनी पानीपत में रहता है। वह कॉलेज में प्रिंसिपल का सिक्योरिटी गार्ड है। सुरक्षा के चलते उसको लाइसेंसी रिवॉल्वर दे रखी है। सज्जन सिंह का इकलौता बेटा सरिता वर्षीय अजय 12वीं कक्षा में पढ़ता था। शाम 6 बजे अपनी बहन से फोटोशूट करवाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके 15 मिनट बाद ही अजय नगर से करीब 10 किलोमीटर दूर देशराज कॉलोनी के एक मकान के पास पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से सीने में गोली मार ली। गोली की आवाज़ सुनकर भीड़ जुट गई। घटना की सूचना भीड़ में किसी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी। मौके पर DSP संदीप किला थाना प्रभारी मौजूद रहे। वहीं इस मामले में जानकारी ये भी आ रही है कि छात्र का प्रेम प्रसंग मामला भी बताया जा रहा है। पानीपत से सनी कथुरिया की रिपोर्ट। जी है, एक बदावाराम कॉलोनी का, उसकी डेथ हुई है। उम्र 17 साल है, प्लस 2 में पढ़ता था लड़का ये। और इसके बारे में सूचना मिली थी, गोली लग के और शव पड़ा गली में और उसके पास रिवॉल्वर है। तो मौके पे गए थे, मौके पे सारा कुछ फोटोग्राफी करा के इसकी शव ले आके यहाँ रख दिया। FSR टीम से निरीक्षण करवा के और उनके घर वालों से पूछताछ करके आगे वाली कार्रवाई की जाएगी। मौके पे जो रिवॉल्वर पाई गई है वो किसकी थी? वो इसके फादर की थी। क्या काम करते हैं? इसके फादर सिक्योरिटी में किसी के गनमैन लगे हुए हैं, तो सिक्योरिटी का काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो उस दौरान और कोई भी मौके पर पाया गया? नहीं, और कोई मौके पर नहीं पाया गया। अभी इस बारे में पूछताछ चल रही है, क्या मामला है। गोली लगी कहाँ पे? हार्ट पे गोली लग रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.